मेहमान आ रखे थे हमारे घर में, एक छत में थे बैठे हुए सारे। दो चार बार सीढ़ी चढ़ी, मेरे पैर में ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि कुछ हो रहा। बाद में सूजन आ गई थी, MRI करवाई। 6 महीने बिस्तर में रही, उस समय तो मैं चल भी नहीं सकती। बेड में लेटो और सीधे ऐसे लेटे रहना है, उठना ही नहीं है 1 महीने। ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं आप? पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चढ़ती थी, अब तो मैं कितनी बार चढ़ जाती हूँ सीढ़ी में। दर्शकों देखिए, यही वो गौंसिया है जिसका इस्तेमाल मैम ने किया। 5 साल से वो परेशान थी अपने घुटने के दर्द में। क्या कहेंगी गौंसिया के बारे में? यह बहुत अच्छा है, अभी मुझे और खाना है और लोगों को भी बताना है। पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि कभी चलूंगी। तो मैम, एक महिला को कितनी उम्र तक काम करते रहना चाहिए? जब तक मतलब हाथ पांव चले तब तक हाथ पांव चलाने चाहिए। अगर 68 साल में ये इतनी फिट हो सकती है तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते, है ना? हाँ जी। आज जो सच्ची कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो है देहरादून के नेहरू ग्राम में रहने वाली 68 साल की शशि बालाजी, जो उम्र के इस पड़ाव में भी दिन रात काम करते करते थकती नहीं है। सालों से घुटनों और कमर के दर्द ने भी इनका हौसला कम नहीं होने दिया, क्योंकि ये हकीम सुलेमान खान जी का गौंदसिया इस्तेमाल कर रही हैं, जो जोड़ों के दर्द में दुनिया की सबसे असरदार जड़ी बूटी मानी जा रही है। हम भी इनसे मिलने इनके घर पहुंचे और देखा इनकी सेहत का हाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, देहरादून में इस वक्त हम आए हुए हैं और आपको लगातार हम दिखा रहे हैं देहरादून के उन दर्शकों को जो हकीम साहब से जुड़ के स्वस्थ सेहतमंद हो रहे हैं। तो देहरादून में मैं पहुंची हूं जिनके घर पे, उनका नाम बताना चाहूंगी। उनका नाम है शशि बालाजी, 68 साल की हैं। उनके घर पे इस वक्त मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ। उनका घर देहरादून में पड़ता है वसुंधरा एनक्लेव नेहरू ग्राम, और लैंडमार्क भी आपको बताना चाहूँगी, डोभाल चौक है और यहीं पे उनका खूबसूरत सा ये घर है। आज उनकी कहानी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो दर्शकों, एक महिला जिसे घर भी संभालना होता है और अपनी तकलीफ भी वो छुपा के रखती हैं, तो शशि बालाजी जो 68 साल की हैं, उन्होंने तकलीफ झेलते हुए भी अपना कोई काम नहीं छोड़ा। एक महिला अगर बेड पर बैठ जाए, कोई काम ना करे, तो घर पूरा का पूरा बिखर जाता है। उस घर को बिखरने से बचाया है शशि बालाजी ने, हिम्मत नहीं हारी, हौसला रखा। तो उनकी हिम्मत हौसले की ये कहानी आज आप लोगों के लिए मिसाल के साथ साथ उन महिलाओं के लिए प्रेरणा साबित हो सकती है जो घर बैठे बैठे अपनी तकलीफ के साथ लड़ती हैं और इसी तकलीफ के साथ वो अपने घर परिवार को संभालती हैं। तो हम बात करेंगे शशि बालाजी से। मैम, 68 साल की आपकी उम्र जी, ठीक है, उसके बाद भी आपने घर को संभाले रखा, और एक महिला के ऊपर ही घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। मर्द कितना भी घर का काम कर ले, हाँ जी, लेकिन जब तक महिला अपने घर को नहीं संभालेगी तो फिर तक कोई काम नहीं हो नहीं सकता नहीं। तो इतनी दर्द रहा, इतनी तकलीफ आपको रही, तो कैसे आपने अपना एक एक दिन गुजारा, एक एक वक्त आपने गुजारा कि क्या? दवाई खाई और फिर अपने चलने लग गए। पेन किलर वगैरह खाते थे तो आराम मिलता था। पेन किलर खाने से ज़्यादा दिन तो नुकसान होता है पेट को, किडनी खराब होने का खतरा था, क्योंकि मेरे तो 4-5 ऑपरेशन हो रखे हैं पहले के। किस किस चीज़ के? यूट्रस भी निकला हुआ है, पित्त की थैली भी निकली हुई, और किडनी में भी पथरी थी, और फीसर हो गया था एक बार। अच्छा, उसका भी हो रखा, फैमिली प्लानिंग का भी हो रखा, तो बहुत बार ऑपरेशन हो रखा। तो इस वजह से मैं एलोपैथिक दवाई जल्दी से खाती नहीं हूँ, क्योंकि पेट में दर्द होने लग जाता है। तो आपको इतनी तकलीफ रही मैम, आपने घर परिवार में अपनी बात किसी से शेयर नहीं की, ऐसे ही घर का काम करती रही? आपने अपने पति से बात कही होगी, उन्होंने भी आपकी तकलीफ देखी होगी, उन्होंने भी आपको मंगाई दवाई, उन्होंने आपको काम करने से रोका नहीं कि मत करो? बोलते हैं, बोलते थे मत करो, पर फिर चलता कहा है ना कि लेडीज तो काम करती है, देखा नहीं जाता काम छूटा हुआ। जब तक हाथ पैर चलते हैं तो रोक नहीं सकती लेडी अपना हाथ। अच्छा, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? 17 साल पूरे हुए थे, 58 लगा था तब हो गई थी। 50 साल हो गए शादी को। 50 साल से आप लगातार थकी नहीं, ऐसे ही घर का काम करती आ रही हैं। लेडीज कहीं थकती है? कभी नहीं थकती है, उनको तो काम कर, जब तक रहना है तब तक करना ही है, बैठे बैठे रह के तो और बीमार हो जाना है फिर। जो खाली बैठे रहो ना तो समझो दूसरी बीमारी पकड़ लेगी आप। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि नहीं मुझसे काम नहीं हो पा रहा है? तो जिस दिन काम नहीं होता तो उस दिन छोड़ देती हूँ उस समय। फिर जैसे रेस्ट कर लिया, थोड़ा आराम मिल गया, फिर लग गया करने अपना काम। कितने दिन आपने काम छोड़ के आप जैसे हफ्ते 10 दिन कहीं चले गए, या बेटी के पास चले गए, या बहू ने कर लिया,
तो फिर अगर ठीक है तो फिर अपने काम पे लग गए। ऐसे नहीं कि बस बैठे रहना है हाथ में हाथ धर के या कुर्सी में कि मेरे लिए खाना लाओ, ऐसे नहीं कभी बैठे। तो मैम एक महिला को कितनी उम्र तक काम करते रहना चाहिए? जब तक मतलब हाथ पांव चलें तब तक हाथ पांव चलाने चाहिए। अगर आपके हाथ पांव अगर आप काम करने वाले लोग हो तो आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए। मैम एक समय तो ऐसा भी आता है ना जब महिला का शरीर बिल्कुल टूटने लगता है। हाँ जी। तो वो समय आपका कब आया? बीच में हुई थी तबीयत खराब 2 साल पहले, ऐसे अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं खड़ी हो पाती थी। तो तब मैं फिर रेस्ट रही 2-3 महीने। तो क्या हुआ था उस दिन? उस समय मेरे को गैस बनी थी, एसिड बना था। हाँ हाँ। और मतलब चक्कर जैसे आए थे। और उल्टी आने को हुआ, लूज मोशन भी हो गया साथ ही साथ, दोनों चीज हो गया। और लेट गई, मतलब लेटे तो फिर उठ नहीं पाई। वो हाथ जाम हो गया था पूरा शरीर एक तरफ का, पैरालाइज हो गया था क्या? नहीं नहीं सुन पड़ गया था। हाँ, एक हाथ उठा नहीं पा रही थी। तो फिर बहुत दिन तक मैंने इसको एक्सरसाइज वगैरह करी इसकी और दवाई नहीं खाई इसके। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? जी दिखाया था, जब तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर पे ही ले गए थे। बेटी ने बोला कि किस चीज की दवाई दे रहा, आईसीयू में डाल दिया था, इतनी सारी दवाइयाँ दे दी थी। तो बोला कि क्यों दे रहे ये दवाइयाँ खाने के लिए, इससे तो साइड इफेक्ट होंगे कि ये दवाई खाने से, इसलिए वो अपने साथ ले गई थी मुझे। अच्छा। फिर उसने हाथ मतलब ये एक्यूप्रेशर करते हैं जो, वही करा और हाथ दबाया, ये कंधा ये वगैरह, तो ये हाथ चलने लग गया था। ठीक है। तो ये हाथ मेरा चलता नहीं था। तो कितने महीने बिस्तर पे थी? 2 महीने उस समय, 2 साल पहले। बेटी के पास ही थी तब? हाँ, बेटी के पास चली गई थी। हाथ कितना उठ पा रहा था उस समय? उठ नहीं रहा था, बिल्कुल खाना भी नहीं खाया जा रहा, बायां हाथ से खाना खाना पड़ा। ओहो। दाहिना हाथ नहीं चल रहा। तो धीरे धीरे करके हाथ कब उठा फिर? उसके बाद वो अपने पास ले गए तो एक डॉक्टर, उन्होंने बोला वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर को दिखाए, उनको पता है कि मम्मी डॉक्टर को दिखाना चाहती है। तो ले गई मेरे को, मेरे दिल तसल्ली के लिए कि ले जा लेती हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला मुझे, दो मतलब 2 दिन की खुराक दी उन्होंने, उन्होंने बोला इनको ऐसे करो, ये बाल अपना बनाती हैं कि नहीं हाथ नहीं चलता, उन्होंने बोला कुछ मत करो इनका, इनको उनके हाथ में कंघी दे दो, ये खुद बाल बनाएंगे, जैसे भी पहुंचा सकती हाथ ऊपर, मतलब बनाओ तो सही तो, पर ये हाथ अपना एक्सरसाइज करती रहे ऐसे ऐसे करते रहे। उन्होंने एक्यूप्रेशर करा हाथ का और ये चीज करी तो मेरा हाथ ठीक हो गया था। 2 महीने रही थी मैं उसके पास। तो ये कमर की परेशानी, घुटनों की परेशानी कैसे हुई आपको? ये नस दबी मुझे लग रहा शायद, मैं नस दब गई थी, सीढ़ी चढ़ रही थी मैं, मेहमान आ रखे थे हमारे घर में, छत में थे बैठे हुए सारे, तो एक दो चार बार सीढ़ी चढ़ी, मेरे पैर में ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि कुछ हो रहा, फिर बाद में सूजन आ गई थी, फिर होते होते वो दर्द जाम वहीं रह गया। अच्छा। हाँ, बहुत दिन तक ऐसे ही रह गया। लेकिन घुटने में आपके दर्द सूजन आ गई तो ये कमर तक कैसे पहुंची? कमर में तो पहले ही दर्द था। अच्छा, इससे पहले कमर में दर्द था? हाँ, कमर में तो पहले। और वो कैसे हो गया? वो तो कमर में तो वो नस दब गई थी मेरी। अच्छा, ये कब की बात है? ये तो लगा लो 21-22 साल पहले। ये कैसे पता चला कि तो कमर में दर्द? हाँ। वो तो हमने क्या करवाया था, MRI करवाई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कि नस दब गई। तब तो हमने 6 महीने बिस्तर में रही, उस समय तो मैं चल भी नहीं सकती थी कमर के दर्द की वजह से। नस दब गई थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। लेकिन कोई इलाज तो बताया होगा कि ठीक हो सकती है? हाँ, बेड रेस्ट था, दवाइयाँ दी थी उन्होंने, बेड रेस्ट बोला कि बेड रेस्ट क्या था, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का कोई पक्का नहीं है कि, पर आप रेस्ट करो, बेड में लेटो, कंबल बिछा के और सीधे ऐसे लेटे रहना है, उठना ही नहीं है 1 महीने तक, ऐसे लेटी रहे। आपके घर में कौन कौन है? 2 बेटियां थी उस समय की बात बता रही हूँ, पहले की 2 बेटियां 1 बेटा। अब तो बेटियों की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, अब मैं भी ठीक हूँ, चलती हूँ, पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि कभी चलूंगी, उसके बाद मैंने सारे काम करे, बच्चों की शादियाँ करी, घर के काम करे, सब काम करे, ऐसा नहीं है। तो ठीक कैसे हुई मैम आपकी ये प्रॉब्लम कमर के दर्द की? अभी 5 साल से मैं गोंसिया खा रही थी, 3-5 डिब्बे खाए होंगे कम से कम, वो खाई तो उससे आराम मिला। और इसमें आराम मिला आपको घुटने में? जी। ये परेशानी कितने साल पुरानी? ये भी 5-6 साल पुरानी। मैम जो काम आप पहले नहीं कर पा रही थी गौंसिया के खाने के बाद, वो काम कर पा रही है? जी। क्या क्या कर लेती हैं अब?
खाना बनाती हूँ, सुबह उठती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ, बाद में नाश्ता खाते फिर हम फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं दोनों है, फिर आते हैं, फिर अपने कपड़े कुपड़े धोते हैं, आके कपड़े सुखाने है, फिर दिन का खाना बनाना है, खाना खाना है, जैसा होता ही है घर का आम काम तो ऐसे होता ही है। तो इतने साल आपने और भी ट्रीटमेंट कराया, उनसे आपको आराम नहीं मिला, लेकिन गौंसिया के इस्तेमाल से आपको आराम मिल गया। जी जी। तो गौंसिया के बारे में आपको मैम जानकारी कैसे हुई? गौंसिया के बारे में तो हम टीवी में देखते हैं, आस्था में भी आते हो, सत्संग में कौन संस्कार में भी आते हो आप लोग, तो उसमें देख के पता चला, सुलेमान जी आते हैं, आप आते हो, तो उसमें देख के वो लोगों को बताते रहते हैं कि ये नुस्खे ये खाओ ये खाओ, तो उसके उसमें देख के पता चला। कौन से जब आपने नहीं खाया था तो उससे पहले आपको किन कामों में परेशानियां हो रही थी? जैसे झुकने का है, कोई वजन उठाने का है, उसमें परेशानी थी। ठीक है, ज्यादा होती थी काफी? हाँ, मतलब होती थी कमर, जब ज्यादा कमजोरी रहती थी ज्यादा दर्द हो जाता था कमर में, फिर लेटना पड़ता था। तो कौन से खाने के बाद सारे काम अब आपके आसान हो गए? हाँ जी हाँ जी। क्या क्या कर लेती हैं? हम गार्डन का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम बच जाता है, जैसे काम घर का हो गया तो टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा बगीचा है उसमें थोड़ा सब्जी बोली, धनिया बोली, लहसुन बोली है, अब गर्मियों में भिंडी बो दी है, अरबी के पौधे लगा रखे, और ये तुम्हारा बेले वगैरह है पौधे पौधे, ये जो अशोगंधा का पौधा है और लेमन ग्रास है, तुलसी का पौधा है, अब मतलब वैसे खाद पूजा भी करते ही हैं हम तुलसी की, तो है दवाई के काम में भी आती है तुलसी है? तो ये इतना बड़ा जो गार्डन है आपके घर के पीछे, ये पूरा आप संभालती हैं? जी। दिखाएंगी आप हमें ये? जी। चलिए फिर मेरे साथ। मैम, आपके गार्डनिंग में जाने से पहले मैं पहले ये देखना चाहूंगी, ये गौंसिया जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो कैसे आप लेती हैं? मेज में रखा हुआ है ये गौंसिया। जी जी, दिखाइए मुझे, खोल के दिखाइए। मंगाया है अभी, ये है देखिए आप, अभी इसे पीसना है मैंने, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम को खाना है, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। अच्छा, अभी तक पीसा क्यों नहीं आपने? अभी है पहले का बचा हुआ, वो गोली बना रखी मैंने, आधा आधा चने के दाने के बराबर गोलियां बना रखी, उन्हें खाती हूँ। अच्छा, आप जो गोलियां आपने बनाई हैं चने के बराबर, वो कैसे बनाई हैं? उसमें थोड़ा पानी मिला के और सुखा देती हूँ गोली बना के। फिर नहीं, ये आपके पास ऐसे आया, फिर आप इसको कैसे पीसती हैं, क्या तरीका है? इसे सुखाती हूँ धूप में, फिर इसको थोड़ा कूट लेते हैं, फिर मिक्सी में पीस देते हैं इसको, मिक्सी में पीस के पाउडर बन जाते, थोड़ा पानी मिला के इसको इसकी गोलियाँ बनाती हूँ, चने के दाने या मटर के दाने के बराबर, आधा आधा ग्राम की गोलियाँ, 90 या 100 गोलियाँ बन जाती हैं। इसकी दर्शकों देखिए, यही वो गौंसिया है जिसका इस्तेमाल मैम ने किया और इससे उन्हें कितना आराम मिला है ये आप सभी ने सुना। तो देखिए, ये ऐसे रॉ मटेरियल आता है, और रॉ मटेरियल आने के बाद ये इसे धूप में सुखाती हैं, धूप में सुखाने के बाद मैम ने इसकी गोलियां भी बनाई हैं, गोलियां बनाने के बाद वो इसका सेवन करती है। मैम, गोलियां कम से कम कितनी बनाई आपने? 90 बना ली हैं। हाँ, 100 के करीब बन जाते हैं। और इसके खाने से आपको क्या क्या राहत मिली है? इसको इसके खाने से मेरे तो घुटनों में का दर्द ठीक हुआ, और कमर का दर्द भी ठीक हुआ, और ऐसा लगता कि एनर्जी, बाथरूम में इसको बहुत आता था पहले, रात को बहुत बार जाती थी, मतलब उसमें भी आराम मिला मुझे। तो यही वो गौंसिया है, फिर से आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि इसी ने मैम को आराम दिया है। 5 साल से वो परेशान थी अपने घुटने के दर्द में, लेकिन 5 साल की बीमारी ने, तो हम गार्डन में चलते हैं आपके, और जो आप काम गार्डन में करती हैं इतनी मेहनत का, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो चलें फिर आपके साथ। जी चलिए चलिए, चलो मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। अच्छा, दूर से ही मुझे दिख रहा है कि इतना बड़ा गार्डन है आपका। तो यही वो गार्डन है जहाँ पे आपने काफी सारी सब्जियाँ उगा रखी हैं, और तमाम तरीके के गमले भी हैं यहाँ? हाँ जी, गमले आगे रखे हुए हैं, आगे की साइड, पीछे की साइड गार्डन है बगीचा, इसलिए गमले नहीं रखे हुए इधर। अच्छा, कहाँ पे आपने सब्जियाँ उगाई हैं? ये सामने आगे देखो, ये हार सिंगार का पौधा है, कड़ी पत्ते का पौधा है, अमरूद के, आम के पौधे हैं, और लीची का पौधा भी है, और करेले की बेल है, करेले लग रहे हैं हमारे, और इधर अरबी लगी हुई है, भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, भिंडी भी लग रही है इस समय हमारी है, तुलसी के पौधे हैं, अश्वगंधा का पौधा है। ये सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं मुझे, ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं आप? हाँ जी।
सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। पहले नहीं चढ़ पाती थी, अब चढ़ लेती हूँ सीढ़ी। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चढ़ती थी, अब तो मैं कितनी बार चढ़ जाती हूँ सीढ़ी में। अच्छा, तो ये कितना मंजिला है? ये एक ही मंजिला है? हाँ, एक ही मंजिला। कितनी सीढ़ियाँ होंगी लगभग इसमें? होंगी 10-15 तो होंगी। 15 सीढ़ियाँ, तो दिन में कितने चक्कर लगते हैं ऊपर के? 3 चक्कर तो चल ही जाती हूँ। अच्छा, और ये कैसे हो पाया है जो आप इतने 2-3 चक्कर लगा लेती हैं अब? एक गोंसिया खा के आराम मिला है मुझे। अच्छा, कहाँ दर्द होता था जब पहले सीढ़ियाँ नहीं चल पाती? घुटने में दर्द होता था, इस वाले में, राइट घुटने में, ये वाला। तो कैसे, क्या झुक के चलती थी? नहीं नहीं, झुक के नहीं, मैं जाती नहीं थी सीढ़ी में, छोड़ ही दिया था जाना। हाँ, सीढ़ी में नहीं चढ़ती थी। अच्छा, घुटना मोड़ पाती थी? ना, दर्द होता था मोड़ने में। अभी मोड़? अब कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अभी मोड़ के दिखाएंगे घुटना? हाँ, लो देखो, मैं तो एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ अब तो। हाँ, फिर से दिखाइए जरा। मैं देखो, अब तो मैं सीढ़ी वगैरह सब चढ़ लेती हूँ। तो शशि बाला जी के जो पैर बिल्कुल मुड़ नहीं पाते थे, अब देखिए कैसे मुड़ रहे हैं उनके पैर। सारा काम करती हूँ, ऐसा नहीं है पूरा। इतना बड़ा आप आंगन देख रहे हो, इसकी सफाई करना, आगे की भी सफाई, कमरों की भी, ये सब सफा करते हैं रोज, पूरा साफ करते हैं डेली। अब इस समय फिर गंदा हो गया, सुबह को फिर साफ करना है। तो मैम, आपके दो आंगन हैं, एक बाहर भी है एक पीछे भी है, तो इनकी दोनों की सफाई आप ही करती हैं? हाँ जी। दर्शकों देखिए, बारिश हो रही है। मैम ने कहा कि पहले उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत परेशानी होती थी। सीढ़ियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मंजिला इनका ये घर है और लगभग 15 सीढ़ियाँ मुझे इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। पहले नहीं चल पाती थी, पैरों में दर्द थी, बिल्कुल छोड़ दिया था सीढ़ियों पे जाना, लेकिन अब वो आसानी से चल लेती हैं। तो मैम, आप झुक नहीं पाती थी, तो कोई चीज़ ऐसी जो आप हमें उठा के दिखा सकती हैं? कुछ भी उठा सकती हूँ। ऐसे सामान तो उठा लेती हूँ, ऐसे जैसे ये उठाना है, ऐसे सारा काम मैं खुद करती हूँ, सब कुछ। ऐसे रखना है, ऐसे उठा के इसको इधर करना है, सफाई करनी है, ये सब मैं करती हूँ। आम ला रखे हैं, आम मंगाए हैं, तो उसका अचार डालूंगी, है ये भी मैंने ही करना है। तो आम तो जो अचार डालेंगे वो भी बैठ के करना पड़ता है? जी जी, ये सब मैंने ही करना है। हाँ जी। तो कितना टाइम इस अचार को बनाने में लगता होगा आपको, क्योंकि बैठ के आप सारे मसाले डालेंगे? 1-2 घंटे तो लगेंगे। 1-2 घंटे? और क्या, इसका मसाला वगैरह भी तो बनाना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, तो आप पहले बैठ पाती थी मैम काफ़ी देर तक? ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी, अब तो बैठ जाती हूँ थोड़ी। तो मैम ये तो झुक के इसकी सफाई करनी है, ऐसे करके इसका सारा निकालना है, तो झुक के सारा काम करना है। अभी मैं अभी आए थे तो मैंने इसको धो के सुखाया है बाहर। तो 1-2 घंटे में ये तैयार करती हैं आप नीचे बैठ के? पहले नहीं कर पा रही? नहीं। क्या कहेंगी गौंसिया के बारे में? ये बहुत अच्छा है, अभी मुझे और खाना है और लोगों को भी बताना है, हमारे अड़ोस पड़ोस में खा रहे हैं, अभी मंगवाऊंगी उनके लिए भी। हकीम सुलेमान जी के लिए कुछ कहेंगे? हकीम सुलेमान जी को ये कहूंगी धन्यवाद बहुत बहुत, वो सबको अच्छी दवाइयाँ बताते हैं, घर के नुस्खे भी बताते हैं। सीढ़ियाँ देखिए मैं चढ़वाना चाहती हूँ मैम आपको। हाँ। बारिश में नहीं भिगाऊंगी। हाँ। उससे बेफिक्र रहिए, आप छाती के साथ चलेंगे, बताओ। चलो। मैं आपके लिए छाता खोल देती हूँ। तो मैम बारिश हो रही है और आपके साथ हम छत तक आएंगे, आपने मेरे कहने पे आप छत तक जा रही हैं, लाइए मुझे दीजिए। काई भी हो रही है, इसमें गिरने का भी खतरा है। तो बताइए, पहले चल पा रही थी इन सीढ़ियों पे? नहीं, आराम से नहीं चल सकती, थोड़ा पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था तो नहीं चलती थी। कब तो कपड़े सुखाने जाती हूँ डेली। अच्छा, आप कपड़े सुखाने जा रही हैं आप, है ना? छत में। अच्छा, बिल्कुल छोड़ दिया था क्या? हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया था पहले। तो आपकी जगह कौन कपड़े सुखाने जाता था? बच्चे जाते थे। हाँ। पहले हमारा बगल में मकान नहीं था ना, डबल स्टोरी, अब बन गया तो इस वजह से हमें ऊपर जाना पड़ता है। चलिए छत पे चलते हैं। जी। तो कितना वजन लेके आप छत पे आती थी? कपड़े तो वजन धुले धुलाए वो मशीन से सूखे हुए निकलते, इसलिए वजन ज़्यादा नहीं होता। अगर 68 साल में ये इतनी फिट हो सकती हैं तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते, है ना? हाँ जी, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आजकल के बच्चे तो ये बोलते हैं, हम बोले हमारे दर्द, तो वो पहले बोल देते हमारा दर्द हो गया है। अरे भाई, अपने को ये मत सोचो कि हम बीमार हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए कि बीमार हो, सोचना चाहिए कि बीमार हैं हम नहीं। अपने को शरीर को चलाओ तो चलेगा, अब बीमार बनोगे तो बीमारी हो जाओगे। कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं? हमको हो गए यहाँ पर 27-28 साल हो गए रहते हुए। और ये जगह कौन सी है? ये वसुंधरा इनक्लेव नेहरू ग्राम। ठीक है, इससे पहले कहाँ रहती थी? फैक्ट्री स्टेट में। अच्छा, और नेक्स्ट फैक्ट्री स्टेट। फिर यहाँ पे अपना घर बना लिया? अपना घर बना लिया। कमर में कहाँ दर्द होता था पहले आपको? रीढ़ की हड्डी में। अच्छा, किस साइड दिखाइए मुझे? ये।
अच्छा, इस जॉइंट में दर्द होता था जी? कितने हद तक होता था? ज़्यादा होता था, अगर रेस्ट कर लो तो ठीक हो जाता था, फिर जैसे झुक काम करो तो फिर दर्द होने लग जाता था। तो बिल्कुल नहीं झुक पाती थी? बहुत कम झुकती थी, झुकने का कम। अब कितना झुक सकती है? पूरा झुक लेती हूँ। झुक के दिखा दीजिए एक बार पैर जी, ऐसे झुकना। एक बार और दिखाइए। अब तो मैं सारी एक्सरसाइज भी करती हूँ। कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हैं? ये ऐसे ऐसे नीचे की। दर्शकों देखिए, 68 साल की उम्र में जिस तरह से उन्होंने अभी हमें एक्सरसाइज करके दिखाई है, सीढ़ियां वो चढ़ गई हैं, घर का सारा काम वो करती हैं, गार्डनिंग वो करती हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हैं शशि जी। अगर आपको भी इस तरीके की कोई परेशानी है, कमर में दर्द है, तो गोंसिया खाइए जी, तो घुटने आप मोड़ नहीं पा रहे, तो मैम की तरह आप भी इस उम्र में, क्या हर उम्र में आप ठीक हो सकते हैं? क्यों, मैंने सही कहा जी? अपने को ये मत सोचियो कि हम नहीं ठीक हो सकते। ठीक होने की कभी भी मन छोटा नहीं करना चाहिए कि हम ठीक नहीं हो सकते। तो गौन सिया जिसने दिया मैम को इतना आराम, और आप ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, ये हमारा नहीं, ये शशि जी का कहना है। कभी भी अपने को ये मत सोचो कि हम ठीक नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो मिले हम शशि जी से, आज की कहानी शशि जी की। एक बार फिर से, शशि जी की तरह या फिर आप लोगों की तरह जो सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं, हकीम सुलेमान जी की दवाइयों का इस्तेमाल करके, नुस्खों को इस्तेमाल करके, तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। धन्यवाद जी। तो मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।